17 सितंबर को हर साल मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम यौम इंजमाम के तौर पर मनाया जाता है। मुसलमानों के नजदीक इस सानहे को सुकूत हैदराबाद के नाम से भी याद किया जाता है। आज ही के दिन 1948 को हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में जम करने के लिए पुलिस एक्शन किया गया था। पुलिस एक्शन के दौरान मराठवाड़ा के मुसलमानों पर हुए मजालिम और उसके हालात के बारे में नई नस्ल को वाकिफ करवाने के लिए नांदेड़ की समाजी तंजीम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से हर साल इजलास आम मुनाक़िद किया जाता है। इस मरतबा भी ये तीसरा जलस आम अनवर गार्डन में मुनाक़िद किया गया। इस इजलास की सदारत अमीर वहदत इस्लामी हिंद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी औरंगाबाद ने की, जबकि मुखर्रिर खुसूसी की हैसियत से रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर लिंगाला पांडुरंगा रेड्डी हैदराबाद, टी विवेक रिसर्च स्कॉलर अजीजुल्ला सरमस्त सीनियर सहाफ़ी गुलबर्गा और सीनियर खानुंदा एडवोकेट MZ सिद्दीकी को मदु किया गया। इस इजलास का आगाज कारी कलीम की तिलावत कुरान से हुआ। उसके बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर नासिर खतीब ने इफ्तिताही कलिमात के तहत प्रोग्राम के इनेकाद की गर्जो गायत बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुकूत हैदराबाद मराठवाड़ा के मुसलमानों की तारीख का एक अलमनाक बाब है। इन तमाम बातों से नई नस्ल को वाकिफ करवाने के लिए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से हर साल यौम इंजमाम के मौके पर ये जलसे मुनाकिद किए जा रहे हैं। आज का ये जलसा इसी सिलसिले की तीसरी कड़ी है। इसके बाद गुलबर्गा के सीनियर सहाफी अजीजुल्ला सरमस्त ने अपनी तकरीर में कहा कि पुलिस एक्शन के दौरान मिलिट्री ने मराठवाड़ा के आम मुसलमानों के खिलाफ जुल्म के पहाड़ तोड़े। मिलिट्री के अलावा फिरका परस्त हिंदुओं ने भी जय हिंद के नाम से मुसलमानों के खिलाफ बाज़ाब्ता एक तहरीक चलाई, जिसके तहत गांव देहातों में रहने वाले मुसलमानों पर मजालिम ढाए गए, मुसलमानों की जायदादें लूटी गई, इन्हें कत्ल किया गया, मुस्लिम खवातीन की असमत रेजी की गई, बच्चों को यतीम कर दिया गया, रजाकारों की आड़ में आम मुसलमानों को निशाना बनाया गया। डॉक्टर लिंगाला पांडुरंगा रेड्डी ने अपनी तकरीर में निज़ाम हुकूमत और रजाकारों के बारे में फैलाई गई गलत फहमियों को तारीख के हवालों और दलीलों के जरिए गलत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने सच्चाई को सामने लाने के लिए अब तक जो कुछ रिसर्च किया है इसकी रोशनी में कई अहम बातें बताई। सदारती तकरीर में अमीर वहदत इस्लामी हिंद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हमारी नई नस्ल को ये मालूम नहीं है कि हैदराबाद स्टेट कितनी वसी व अरीज थी, कौन कौन से इलाके इसमें शामिल थे, यहाँ किस तरह की खुशहाली का माहौल था, कैसे इस हुकूमत को खत्म किया गया, पुलिस एक्शन की आड़ में कैसे कैसे जुल्म उठाए गए। इन तमाम हालात का मुताला करने की जरूरत है। हमें अपने माजी में पेश आए हालात के जख्मों को याद करके इन्हें हरा करते रहना चाहिए। जब तक हम अपने माजी के जख्मों को हरा नहीं करेंगे, इसके इलाज के लिए कोई सबील पैदा नहीं कर सकेंगे। जलसे के दौरान मजमून नवेसी मुकाबले में अव्वल, दुअम और सुअम आने वाले तीनों जुमरे के तलबा को बिलतरतीब 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए इनाम से नवाजा गया। इनाम पाने वालों में जिन तलबा के नाम शामिल है, इनमें सीनियर कॉलेज ग्रुप में पहला इनाम यशवंत कॉलेज की तालिबा खान मदीना अंबर बिंत डॉक्टर जव्वाद खान, दूसरा इनाम वीके कॉलेज के तालिब इल्म सैयद उमेर अली, सैयद समी अली और तीसरा इनाम यशवंत कॉलेज की तालिबा जवेरिया फिरदौस डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को दिया गया। जूनियर कॉलेज ग्रुप में पहला इनाम मदीनातुल उलूम जूनियर कॉलेज की तालिबा नेहा बेगम बिंत शेख चांद, दूसरा इनाम मदीनातुल उलूम जूनियर कॉलेज की तालिबा मारिया माहिन बिंत शेख बशीर और तीसरा इनाम यशवंत जूनियर कॉलेज की तालिबा राहत खातून बिंत मोहम्मद अफजल को दिया गया। इसी तरह हाई स्कूल की सतह पर पहला इनाम इस्लाहुल अमल हाई स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद परवेद वल्द शेख सादुल्ला को, दूसरा इनाम नोबल हाई स्कूल की तालिबा फरहीन फातिमा बिंत मोहम्मद निसार और तीसरा इनाम इकबाल उर्दू स्कूल की तालिबा हंजला मारूफ बिंत शेख नदीम को दिया गया। अव्वल, दुअम और सुअम इनामात के अलावा कई तलबा को तरगीबी इनामात से भी नवाजा गया। सभी इनामात तकरीब में शरीक मेहमानों के हाथों तकसीम किए गए और तलबा की हौसला अफजाई की गई। जलसे की निजामत मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के रुकन मोहम्मद इमरान ने बेहतरीन अंदाज में की। जलसे में नांदेड़ के अलावा ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात से भी कसीर तादाद में मर्द खवातीन ने शिरकत की। मजमूई तौर पर यह जलसा कामयाब रहा। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से सपूत हैदराबाद के अनवान से ऐसे कंपटीशन और जलसे आम, ये मुसलसल तीसरे साल का तीसरा जलसा है। इस प्रोग्राम में अलहमदिल्ला हमारे पास डॉक्टर लिंगाला पांडुरंगा रेड्डी साहब, सीनियर हिस्टोरियन टी रवि साहब हैदराबाद, हैजुल्ला सरमस्त साहब गुलबर्गा, मोहतरम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब जो पूरे भारत की कद्दावर शख्सियत है, इस्लामी स्कॉलर है, उन्होंने आज आकर हमारी रहनुमाई फरमाई। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनका जरदी मता फरमाएँ। और नांदेड़ के शहरियान ने, नांदेड़ की मिल्लत ने, उन्होंने और नौजवानों ने शिरकत करके हमारी जो हौसला अफजाई की है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन।
इस जलसे में जो है एक्चुअली ये दिन का खूबियत क्या है और जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक लिबरेशन डे या नहीं तो इंटीग्रेशन डे ऐसे मुख्तलिफ किस्म के लेवल से जो इसको कह रहे हैं इसके बारे में, असल में तारीख में क्या हुआ और जो लिबरेशन की बात करते हैं जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं उसमें सच्चाई कितना है इसका नज़रअंदाज़ा करने के लिए, और हम जो है एक तकरीबन एक 10 साल से जिसके ऊपर और न्यूज़पेपर्स में जितना भी पूरा सोर्सेस निकाल के असल ये दिन में क्या हुआ, सही भी लिबरेशन हुआ क्या या नहीं तो सही भी इंडियन यूनियन से इंटीग्रेशन हुआ या नहीं, इसके बारे में जानकारी हमारे हमको जो हासिल हुआ है वो शेयर करने को नांदेड़ को आए हैं और इस जलसे में तकरीबन 400 लोग 500 तक इसमें शामिल हुए हैं और हम समझते हैं कि हम इस मुद्दे पे एक नया रोशनी डाले हम समझते हैं, तो यही ये आज जलसे का अहम मुद्दा है। इंडियन मिलिट्री का जारहाना इकदाम निज़ाम स्टेट के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं था बल्कि निज़ाम स्टेट के मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, ये पूरी तारीख बताती है ये बात। हिंदुस्तानी अफवाज ने हमला करने के लिए 27 महाज खोले थे जिनकी जद में हैदराबाद रियासत के सरहदी अजला, हैदराबाद कर्नाटक और मराठवाड़ा के अजला गुलबर्गा बीदर यादगीर रायचूर और उस्मानाबाद लातूर अतराफ व अकनाफ के मुकामात नलदुर्ग बीड़ वगैरह, इन मुकामात पर खून कत्ल खून का बाजार गर्म कर दिया गया और सबसे ज़्यादा कत्ल खून अगर हुआ तो लातूर में हुआ क्योंकि वो कासिम रजवी साहब की सरजमीन थी, और सबसे ज़्यादा कत्ल खून हैदराबाद कर्नाटक में हुआ तो वो गुलबर्गा के शाहपुर और सगर में हुआ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और एक देखिए एक और तहरीक उस वक्त थी जय हिंद, आज जय हिंद हम अपने कौमी परचम को सलामी देने के लिए जय हिंद कहते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन में ये तहरीक मुसलमानों के कत्ल खून के लिए चलाई गई और बाज़ाब्ता पूछा जाता था कि कौन से देहात में जय हिंद हुआ कौन से देहात में नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों किया गया है, अगर लिबरेशन एक सोसाइटी में लिबरेशन होना है तो सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबको आज़ादी मिलना चाहिए और सब जो है अमन शांति से रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत लोगों को सदमा पहुंचा है, ये क्यों हुआ है। तो इसलिए ये लिबरेशन का जो लेबल बता रहे हैं जो लोग एक पार्टी लोग वो कहाँ तक सही हैं वो हमको आज इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना ज़रूरी है। 17 सितंबर में क्या हुआ बोले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ होम अफेयर्स को लिखे तो हमारे पास जवाब नहीं है और अमित शाह साहब आज 17 सितंबर लिबरेशन कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस क्या बोले 26 जनवरी 1950 हैदराबाद हिंदुस्तान में मर्ज हुआ, दिस इज द एंड अंडर आरटीआई एक्ट आई आस्क्ड दिस इज द लेटर, एनी रिपोर्टर हियर प्लीज, नो रिपोर्टर, दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज द लेटर। व्हेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेज ऑन 26 जनवरी 1950 हैदराबाद हिंदुस्तान में मर्जर हुए बोलते हो अभी क्या मर्जर डे बनाना साहब, किसको बेवकूफ बना रहे आप हैं हम हमारे बना रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेम थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक किताब लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैदराबाद के ऊपर ऑपरेशन पोलो, एक्चुअली नाम ऑपरेशन पोलो है, द मिलिट्री अटैक होने के बाद उसको ऑपरेशन कैटरपिलर बोलते हैं। एक किताब में क्या लिखा है पुलिस एक्शन के बाद कई महीनों के बाद हैदराबाद हिंदुस्तान में मर्जर हुआ, ऑफिशियल बुक वही नहीं लिख मैं नहीं लिखा हूँ साहब, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा है, वो खुद लिखता है पुलिस एक्शन के बाद द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट टू इंडियन यूनियन टुक प्लेस सेवरल मंथ्स लेटर, देन आप मर्जर डे कैसे बोलते हैं सर? नो नो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन।
कि जैसा है वैसा देखा जाएगा, फिर धीरे धीरे होगा। जून 1948 के अंदर ये भी हुआ था कि कम से कम तीन चीज़ें हैदराबाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, जिसमें डिफेंस है, फाइनेंस है और फॉरेन अफेयर्स है, ये दे देगा, बाकी वो आज़ाद रहेगा। ये सारे माहदे कहाँ चले गए? आप सिर्फ रज़ाकार को बुनियाद बनाकर जो है आप इस मुल्क को ख़त्म नहीं कर सकते। और रज़ाकारों की हिस्ट्री क्या है अभी आपने सुनी। हाशिम रज़वी एक मुत्तकी परहेजगार आदमी, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला आदमी, लेकिन एक कमी है जिसका एतराफ़ हमको करना चाहिए, वो कि इमोशन ज़्यादा थे, तदब्बुर की कमी थी। और तहरीरों से कुछ नहीं होता भाई, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो यही कुछ नतीजे देंगे, मेरी तकरीर से कुछ नहीं होगा। कासिम रज़वी का जो सबसे बड़ा कारनामा है कि बहुत अच्छे ओरेटर थे, अलीगढ़ में जब पढ़ते थे तो पूरी तारीख है उनकी हमारे सामने। उस वक्त उनके दोस्तों ने जो कुछ उनके बारे में लिखा है पढ़ डाली आप, उनकी बेचैन और मुस्तरब जो तबीयत है उसने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया है। वो अपने जुमलों पर काबू नहीं रखते थे, जो कह देते थे उसका इफेक्ट पड़ता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ले उड़ती थी। जब किसी मिनिस्टर ने बात कही भारत के कि हम चार मीनार पर अपना तिरंगा लहरा देंगे, तो पलटकर इन्होंने कहा कि हम जो है दिल्ली के लाल किले पर जो है तिरंगा आसिफ जाही लहरा देंगे, बस उसी को ले उड़े। ये कहा कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो हमारा फिफ्थ कॉलम है, यानी जितने मुसलमान हैं वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो होम मिनिस्ट्रीज के सब नोटिस लेते रही, ये भी एक इफेक्ट। बावजूद ये कि रज़ाकारों ने कुछ नहीं किया, बहुत कह सकते हैं कहीं कहीं ज़्यादतियाँ हो सकती हैं एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन जो इमोशनल स्टेटमेंट्स है उसने लोगों को उकसाया है कुछ करने के लिए। जब हालात ख़राब होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, और जब कमज़ोर के हालात ख़राब होते हैं तो फिर छोटी छोटी बातें जो है बहुत बढ़ चढ़ कर आ जाती हैं। और यही हुआ हमारे साथ, हर तरफ से इसको देख लीजिए।